हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिजनेसमैन से 81 लाख की लूट का लाइव वीडियो आप देखने वाले हैं। स्कूटी के आगे कार लगाकर छीना बैग, बदमाशों को रोका तो पीटा और की फायरिंग। फलोदी में बैंक से रुपए लेकर घर जा रहे बिजनेसमैन से 81 लाख रुपए बदमाश लूट कर ले गए। बदमाशों ने व्यवसायी की स्कूटी के आगे कार लगाकर रोका और व्यवसायी को नीचे गिराया। जब तक व्यवसायी संभलता, कार में से बदमाश उतरे और पैसों का बैग लेकर वापस गाड़ी में बैठ गए। बदमाशों को व्यवसायी ने रोकने की कोशिश की तो फायरिंग की गई। ये पूरा मामला जोधपुर जिले के फलोदी में रायका बाग में शुक्रवार शाम को 4:15 बजे का है, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई और इस दौरान सड़क पर जाम लग गया। जानकारी के अनुसार रायका बाग में मोक्ष ट्रेडिंग कंपनी के मालिक 60 साल के रमेश कुमार गुलेच्छा और सेठू जी नई सड़क स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा से 50 लाख और एक व्यापारिक फर्म से 31 लाख रुपए लेकर अपनी स्कूटी से अपने घर जा रहे थे। इस दौरान बाग में SMB स्कूल के पास एक कार आकर रुकी, उनकी स्कूटी के आगे कार लगाई और रमेश कुमार को स्कूटी से धक्का दिया। रुपए से भरा बैग छीन कर कार में बैठ गए। व्यवसायी उठे और बदमाश को पकड़कर बाहर खींचा, लेकिन बदमाश दूसरा बाहर आया और बैग लेकर गाड़ी में घुस गया। रमेश कुमार बदमाशों का पीछा करने लगे तो उन्होंने पिस्तौल से फायरिंग की। ये गोली उनके पेट के बाईं ओर छूते निकल गई, जिससे खून भी बहने लगा। इसके बाद भी बिजनेसमैन ने हिम्मत नहीं आ रही और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर कार की ड्राइवर की साइड में दे मारा। लुटेरे कार लेकर पोखरण रोड की ओर भाग निकले। इस वारदात के बाद व्यापारी रमेश कुमार के घर लोगों की भीड़ जमा हो गई और दिन दहाड़े इस तरह की लूट से शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पीछा करने के लिए टीमें भेजी हैं। बदमाशों के साथ हुई झड़प में व्यापारी रमेश जी को भी चोट आई है। एक बदमाश ने उनके मुंह पर मुक्का मारा है, जिनसे उनका दांत भी टूटा है और छर्रे लगने से खून भी बहा है। इस पर उन्हें फलोदी के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। पुलिस अफसरों ने बताया कि रमेश कुमार का कपास का बिजनेस है। वारदात स्थल से थोड़ी दूर पर उनकी शॉप है। घटना के बाद शहर में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने टीम बनाकर लुटेरों के भागने की दिशा में रवाना किया है। फलोदी शहर और मंडी फिलहाल बंद रहेंगे। व्यापारी से लूट की वारदात के विरोध में 12 नवंबर को फलोदी शहर बंद रहेगा। व्यापार संघ अध्यक्ष सुनील टरू ने सभी व्यापारों से प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की है। सुबह 10 बजे SDM को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सभी व्यापारी रायका बाग में बब्जी की शॉप के बाहर इकट्ठा होंगे और वहां से कचहरी के लिए रवाना होंगे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।